प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। लग्न के अधिपति जो शुक्रदेव बनते हैं वो 12वें भाव में नीच की राशि में बैठे हैं। लग्नेश शुक्र तुला राशि के अधिपति होने के साथ साथ तुला लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण उनको अगर वो केंद्र में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात होगी, पर लग्नेश और अष्टमेश होकर के जब वो 12वें भाव में नीच की राशि में बैठेंगे और अगर उनका नीच भंग नहीं हुआ होगा, जैसे कि इस कुंडली में शुक्रदेव का नीच भंग नहीं हुआ है, तो इस अवस्था में व्यक्ति का व्यय असंतुलित होता है। नीच के 12वें भाव में शुक्र के कारण वो व्यक्ति अपने वीर्य की सुरक्षा नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया हृदय से नहीं कर पाता है। यहां पे कुछ ग्रंथकार 12वें भाव में शुक्र और शनि देव को बलवान बताते हैं। हर्ष बलि शनि 12वें भाव में हर्षित होकर के बलि हो जाते हैं, लेकिन 12वें भाव के शुक्र व्यक्ति को विलासी, रति क्रिया का माहिर, निर्विवादी नहीं होने वाला, मतलब विवादों में रहने वाला, और प्रायः ऋण में जाने वाला भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने लेन देन के प्रक्रम को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। किसी भी सामने वाले पे विश्वास करने से पहले किसी भी बाहरी व्यक्ति या समाज या जो आप जहां रहते हैं वहां का जो श्रेष्ठ अधिकारी है उसके साथ आपको बेहतर संबंध विकसित करना होगा। इस अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के शुक्रदेव 12वें होंगे और अगर नीच के बैठे हैं, उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो आपको कोर्ट केस कचहरी के मामले में भी बड़ा परेशान होना पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति झूठ बोल करके, गलत गवाही दे करके, गलत लोगों के साथ गलत जगह पे पैसे खर्च करके बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। उसका व्यय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला होता है। उसके जीवन में प्रायः अतिरिक्त व्यय के कारण ऋण में जाने की नौबत आती रहती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।